मेरी जिंदगी में जो कुछ मैंने हासिल किया है वो एडवर्सिटी में हासिल किया है। 1983 में 2 मैच खेले और बाहर निकाल दिया। 55 लोगों में रखा नहीं दोस्त, 55 लोगों में नाम नहीं था। मैं बाथरूम से नहा के निकला, मैंने फादर को पहली बार जिंदगी में रोते हुए देखा, बच्चे की तरह रोते हुए देखा। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, 2-time MP, 4-time MLA, क्राइंग एंड सॉबिंग लाइक अ लिटिल किड एंड हाइडिंग अ न्यूज़पेपर, सडनली सीइंग मी हाइडिंग अ न्यूज़पेपर, आई लुक्ड एट हिम, आई वाज फ्लैबरगास्टेड, आई वाज जस्ट शॉक्ड बॉस, एंड आई लेफ्ट द रूम, आई गेव हिम अ स्पेस, आई वेंट टू द अदर रूम। आई वुड चीट हिम एवरी डे व्हेन आई वाज यंग, मैं 16-17 साल की उम्र में हर रोज उनसे चीटिंग करता था। वो सवेरे मुझे उठाते 5 बजे, मैं दूसरे कमरे में जाके सो जाता था। नौकरों को 20 रुपए हफ्ते दिए होते थे कि भैया बताना नहीं, और फिर पानी मार के टी शर्ट के ऊपर ताड़ ताड़ गीली करके टी शर्ट वापस चले जाना। कितने पर जाए राउंड? 10 राउंड पर जाए। थक गया बेटा, आ जा सो जा, फिर सो जा। हर रोज झूठ मारता, हर रोज आई वुड चीट माई फादर। दैट डे समथिंग स्नैप्ड विद मी। ही वेंट टू द कोर्ट्स, ही वाज एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट एट दैट टाइम, ही वेंट टू द कोर्ट्स एंड आई केम बैक एंड आई पिक्ड अप द न्यूज़पेपर दैट ही'ड हिडन अंडरनीथ द पिलो। ही वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर दैट टाइम, आई पिक्ड अप दैट न्यूज़पेपर, इट वॉज द इंडियन एक्सप्रेस, एंड ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल बाय राजन बाला, द प्रेस इज सो स्ट्रॉन्ग इन इंडिया, इट कैन इन्फ्यूज लाइफ इन अ कॉर्प्स, Vice versa, alive and a kicking man can go into his grave. जिंदा आदमी को कब्र में ढकेल देती है प्रेस, और मुर्दा में जान फूंक के खड़ा कर देती है, इतनी ताकत है। नवजोत सिंह सिद्धू द स्ट्रोकलेस वंडर, वो चेपी लग गई मेरे सर के ऊपर, स्ट्रोकलेस वंडर, कि इसको कोई चौका मारना ही नहीं आता, ये तो टुक 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 वाला प्लेयर। अरे यार, रवि शास्त्री का नंबर मेरे ऊपर लगा दिया, कमाल कर दिया। मैंने कुछ भी नहीं, मैंने इट वॉज जस्ट अ 40-line आर्टिकल which just ripped me, stripped me, boss. There was no pride left. And I wept like a baby. When I read that article, I wept like a baby. And I'd hurt my father all my life. I played cricket to achieve a dream that he saw for me. That was the goal in my life. And it was not about the goal. It was the means that take me to the goal, which are more important. And at that point of time, maine apni anjali mein pani liya. And I took sacred vows. Maine pran kiya. कि अगर सरदार भगवान सिंह सिद्धू का बेटा हूं तो दोबारा हिंदुस्तान के लिए जरूर खेल। और वो आर्टिकल काटा दोस्त, देखिए किस तरह से एक दिन में कुछ नहीं होता, काटा वो आर्टिकल और अपनी अलमारी में चिपकाया, अलमारी में चिपका के जितने रंगीन कपड़े थे मेरे पास वो सब नौकरों में बांट दिए मैंने, जितने रंगीन। और 17 साल की उम्र में आदमी बाहर जाता है, गेड़ी लगाने जाता है, मोटरसाइकिल पे जाता है, वो सब शौक होते हैं ना, सिर्फ ट्रैक सूट और व्हाइट कपड़े, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आई टेकन सेक्रेड वाउज, जीन शीन सब बांट दिए, सब बांट दिए। और बॉस, सवेरे 3:30 बजे बगैर अलार्म के उठता था मैं, बगैर अलार्म, कोई अलार्म नहीं। जब ट्रेन पकड़नी होती है ना, तो देखा ना आदमी उठता है ना, तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए बस। 3:30 बजे उठना, जितने सेवक थे उनको लेके जाना, पानी पिच को खुद देना, फिर पिच के ऊपर रोलर चलाना, फिर भागना, ट्रेनिंग करनी, सवेरे 1/2 किलो दूध, बीच में जलेबियां 4 घोल के, पंजाबी ब्रेकफास्ट होता है ना जो, वो खड़का के ग्राउंड में 1 घंटा, शाम को दोपहर को आके खाना खा के सोना, और हर रोज 125 छक्के, 126 sixes every day boss, my hands would bleed, खून चलता था हाथों में से, ऐसा खून चलता था, छाले इतने मोटे मोटे पड़ गए थे। Then I devised a new pair of gloves which had rui inside, वो सोक कर लेता था ब्लड। Within 3 months my hands were iron, जैसे लोहा होता है ना, अटन पड़ गए थे, लोहा बिल्कुल हाथ एकदम स्ट्रॉन्ग, दे छक्का दे। 4 साल सिवाय संडे के नो रेस्ट, डाइट परफेक्ट, कहीं बाहर जाना नहीं, नो रंगीन कपड़ा, एक तपस्वी की तरह सवेरे 4 बजे से लेके रात को 12 बजे तक ग्राउंड में, हेलोजन लैंप्स लगाए हुए थे बैकयार्ड में, सीमेंटेड पिच थी। ऑल माय पॉकेट मनी वुड गो टू यंगस्टर्स, 15 years old, 16 years old, दे वुड बोल फ्रॉम 14 yards, फास्टर देन मैल्कम मार्शल। रात को फूड वुड बी लेड ऑन द टेबल,
And I would be sleeping with my pads on, but I would wake up with my pads on. And one fine day, I found my father was dead. Early in the morning, I woke up, I shook him, he was no more. 15-20 din pata hi nahi tha kahan. Then people told me, boss, if you want to really make him live his dream, then you've got to play for this country. I continued after that, almost 1.5 years, boss. I had no clue what was happening in this world. And then came the Sheesh Mahal tournament. Kapil Paji invited me, I scored 700s in that. I was selected for the 25 for the World Cup. And then, the Reliance World Cup. 550s in a row, 26 sixes, I became a hero. And I'm going to Sharjah. And in the middle of the air flight, Ravi Shastri comes to me. He says, Sids. I said, what? He says, Sids, there's something wonderful written about you. Have a read, boss. And he throws a newspaper at me. I took that newspaper. It was the Khaleej Times, the premier newspaper in Sharjah, Dubai. Uske front page pe itni badi story thi, Rajan Bala ne lagai thi, Navjot Singh Sidhu from a strokeless wonder to a palm groove hitter, a world record holder. Nothing great was ever achieved without an element of risk. Bahadur log jo hain, wo thoda bahut risk lete hain. Risk ke bina zindagi mein kabhi aadmi aage badh nahi sakta. Duniya ki parwah kyun karte ho dost? मैं कहता हूं दुनिया में सबसे बड़ा रोग, ये मेरी फिलॉसफी है दुनिया की, दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग. इट्स अ डिजीज, इट्स अ डिजीज दैट 90% ऑफ द पीपल आर स्मिटन विथ. तुम्हें कोई कुछ कह देता है, तुम सोचते हो बस सारी दुनिया ही लुट गई, रोने लग जाते हो, प्रलाप करने लग जाते हो. अरे सोचो, आम के पेड़ को पत्थर मारते हैं लोग, नीम के पेड़ को कोई पत्थर नहीं मारता दोस्त. यू आर क्रिटिसाइज्ड बिकॉज यू आर इंपॉर्टेंट. नोबडी किक्स अ डेड डॉग, नोबडी विल. सो व्हाई डज क्रिटिसिज्म बॉदर यू? व्हाई आर यू अकाउंटेबल टू दिस वर्ल्ड? द वर्ल्ड इज लाइक द क्रूकेड टेल ऑफ अ डॉग, नोबडी इज एवर स्ट्रेटन्ड इट. यू स्ट्रेटन योरसेल्फ. खुद को जवाबदेही हो जाओ, अपने अंदर छुपे परमात्मा को जवाबदेही हो जाओ. सिरहाने पे जब सर लगेगा, रात को नींद ऐसी फर्स्ट क्लास आएगी. अ गुड कॉन्शियंस इज प्रॉब्ली द बेस्ट ट्रैंक्विलाइजर दैट यू कैन एवर हैव. और दुनिया की परवाह छोड़ दो. डोंट बी अकाउंटेबल टू द वर्ल्ड, यू विल ऑलवेज बी अनहैप्पी. बी अकाउंटेबल हियर. सभी को सभी कुछ हासिल नहीं मिलता, नदी की हर लहर को साहिल नहीं मिलता. ये दिल वालों की दुनिया है, अजब है दास्तां इसकी, किसी से दिल नहीं मिलता और कोई दिल से नहीं मिलता. That's the truth of life. People ask me, सिद्धू साहब 25 साल क्रिकेट खेलते रहे, 3 बार एमपी बन गए, वाइफ मिनिस्टर बन गई, 20 साल कमेंट्री करते हो गए, इतना सब कुछ कैसे? हाउ यू बिकम एन अचीवर? Everything that you do is a success. I tell them, it is passion and not pedigree which wins you in the end. Junoon hona chahiye. Live one idea, breathe one idea, sleep one idea, talk one idea. Let that idea be a tidal wave. Let it engulf every pore in your body, and every pore in your body must sing that idea. You will be successful. You will definitely be successful. Jab koi aadmi किसी काम को एंजॉय करता है तो वक्त सुन करके निकल जाता है. जब बोझ बन जाए, इट विल नेवर बी अ सक्सेस. और लोग दुबक जाते हैं, लोग पुचक जाते हैं, थोड़ा सा बुरा वक्त आता है, लोग हताहत हो जाते हैं, ढेरी डाके बेचारे बन के बैठ जाते हैं. सिंपथीज फॉर द वीक एंड द वीक गो टू द कुकिंग पॉट. मेरी जिंदगी सबसे तगड़ी चीज यही है कि आई हैव बीन माई सेल्फ, आई हैव नेवर चेंज्ड. First they will laugh at you, then they will walk with you, and then they will applaud you. Yahi hota hai. A man with a new idea is referred to as a crank until the idea succeeds. But you must have it in you. You have to believe in your ideas, and then must have the power to execute your good intentions. Good intentions die unless they are executed, my dear friend.